हाँ दोस्तों, तो ये राजा शंकर सा यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का ये फाउंडेशन कोर्स FC सेकेंड है ये। और आज हम पढ़ेंगे उद्यमिता विकास इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, इसका पार्ट। और अब क्वेश्चन देखते हैं, हम इंग्लिश की भी डाल दिया जाएगा बाद में, पहले हम हिंदी देखते हैं अभी। अब पढ़ते जाना और मैं पढ़ दूँ जल्द पर सर्दी हो गई। तो उद्यमिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है आर्थिक विकास। यहाँ पर है सफल उद्यमी की कौन सी विशेषता है? सी वाला है ऑप्शन रचनात्मकता, सी वाला तीसरा वाला है उस उद्यमी को क्या कहा जाता है जो किसी मौजूदा संगठन के भीतर काम करता है, अंतः प्रवर्तक ऑप्शन ए। और ये चौथे नंबर का, निम्नलिखित में से कौन उद्यमिता का प्रकार नहीं है? तो निष्क्रिय उद्यमिता डी ऑप्शन नहीं है। पांचवा, उद्यमशील प्रक्रिया का कौन सा चरण विचार उत्पन्न करने में शामिल है? खोज ऑप्शन ए। चलो आप पढ़ लेना, मैं रख देता हूँ ऐसा। नए व्यवसाय की सफलता में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? बाजार अनुसंधान। वहाँ पे 8,000। व्यवसाय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दीवारों में जाते हो? क्वेश्चन नंबर 11। व्यापारिक विचार की व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन बी बाजार की मांग। आप तो पढ़ लेना। उद्यमियों के लिए अपने व्यवसाय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रतिनिधि मंडल। जोखिम की स्वीकृति के लिए उद्यमी की क्या अवधि होती है? जोखिम सहिष्णुता ऑप्शन ए 14 नंबर। क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय विवरण का उपयोग उद्यमियों द्वारा नहीं किया जाता है? डी जोखिम आकलन रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी कानूनी संरचना सबसे सरल व्यवसाय स्वामित्व प्रदान करती है? डी एकल स्वामित्व। 17, उद्यमियों द्वारा सामना की जाने वाली सामान्य चुनौती क्या है? ऑप्शन सी वित्तीय बाधाएं। 18, समाज के लिए उद्यमिता का लाभ कौन सा है? ऑप्शन सी रोजगार सृजन। 19 नंबर, कौन सी विपणन रणनीति ग्राहकों को एक अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव प्रदान करती है? ऑप्शन ए भिन्नता। 20, व्यवसाय की सफलता का कौन सा माप है? उपरोक्त सभी, नगद प्रवाह, कर्मचारी संतोष, बाजार हिस्सेदारी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उद्यमिता 21 नंबर, उद्यमिता में नवाचार की क्या भूमिका है? ऑप्शन डी नए और उन्नत समाधान बनाना। ऑप्शन 22, निम्नलिखित में कौन सा उद्यमिता को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक है? ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी प्रगति। बल्लर दिख रहे क्या? 23, ऑप्शन फ्रेंचाइज। क्वेश्चन 23, फ्रेंचाइज व्यवसाय मॉडल का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन बी स्थापित ब्रांड मान्यता। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा उद्यमी
उद्यम पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से है। ऑप्शन ए ग्रीन उद्यमिता। स्वार्थ विश्लेषण करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी आंतरिक ताकत और कर्मचारियों का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 26 उद्यमिता में MVP का क्या अर्थ है? बी ऑप्शन न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 लाइफस्टाइल उद्यमी को कौन सा कथन सबसे अच्छा वर्णित करता है? ऑप्शन बी जुनून और व्यक्तिगत पूर्ति से प्रेरित। क्वेश्चन नंबर 28 विचार को व्यावसायिक उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया को किस शब्द से वर्णित किया गया है? ऑप्शन बी व्यवसायीकरण। 29 नंबर क्वेश्चन नए व्यवसाय की विफलता का एक सामान्य कारण क्या है? खराब बाजार अनुसंधान। ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन एकल स्वामित्व का कौन सा नुकसान है? ऑप्शन बी सी असीमित देयता। ऑप्शन 31 विपणन योजना एक आवश्यक घटक क्या है? विपणन योजना का एक आवश्यक घटक क्या है? ऑप्शन बी लक्षित बाजार विश्लेषण। 32 नंबर विघटनकारी नवाचार की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन नंबर सी एक नया बाजार और मूल्यांकन नेटवर्क बनाता है। ऑप्शन नंबर 33 व्यवसाय इनक्यूबेटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवसाय वृद्धि में तेजी लाना। ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 34 व्यापार रणनीति में दूरी का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन बी लक्षित बाजार फोकस को स्थानांतरित करना। क्वेश्चन नंबर 35 व्यापार रणनीति में दूरी का उदाहरण अभी पढ़े 34 था। अब 35 कौन सा वित्तीय मैट्रिक व्यवसाय की लाभप्रदता का संकेत देता है? ऑप्शन बी निवेश पर लाभ ROI। 36 नंबर क्वेश्चन उद्यम पूंजीपतियों का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन बी प्रारंभिक चरण की कंपनियों में निवेश करना। क्वेश्चन नंबर 37 स्थानीय समुदायों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे व्यवसायों को विकसित करने का अभ्यास किस शब्द से वर्णित किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म उद्यम विकास। 38 नंबर क्वेश्चन उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र की सामान्य विशेषता क्या है? ऑप्शन बी सहायक नेटवर्क और परामर्श। 39 नंबर क्वेश्चन स्टार्टअप के लिए क्राउड फंडिंग का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन बी बड़े दर्शकों और संभावित वित्त पोषण तक पहुंच। क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा उद्यमी ने बाजार बनाने और उद्योग परिदृश्य बदलने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी विघटनकारी उद्यमी। किस शब्द का अर्थ दो पक्षों के बीच एक व्यापार समझौता अनुबंध? ऑप्शन नंबर बी। 42 क्वेश्चन नंबर 42 उद्यमियों के लिए एक गैर वित्तीय प्रेरक कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत संतोष। 43 नंबर क्वेश्चन व्यवसाय त्वरक कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस क्या है? ऑप्शन नंबर बी अल्पकालिक वृद्धि और मापनीयता। ऑप्शन नंबर 44 किस शब्द का अर्थ है उन ग्राहकों का समूह जिनमें साझा विशेषताएं होती है और जिनके लिए व्यवसाय अपने उत्पादों का लक्ष्य बनाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी बाजार खंड। ऑप्शन नंबर 45 गैर लाभकारी संगठन द्वारा उद्यमी गतिविधियों में शामिल होने का कौन सा उदाहरण है? एक धर्मार्थ संस्था जो एक सामाजिक उद्यम शुरू करती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 ऐसे नए उत्पाद या सेवा को बनाने का क्या अर्थ है जो पहले कभी मौजूद नहीं था? नवाचार। ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर क्वेश्चन उद्यमिता के साथ जुड़ा जोखिम क्या है? वित्तीय हानि। कभी लाभ कभी हानि होती है वो इसलिए। क्वेश्चन नंबर 48 उद्यमिता में व्यवसाय मेंटर की भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर बी मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करना।
49 नंबर क्वेश्चन, नए रिटेल व्यवसाय के लिए स्थान चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, बाजार की मांग और ग्राहक प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 50, उद्यमियों के लिए अपने व्यवसायिक विचार को सत्यापित करने की कौन सी विधि है? ऑप्शन नंबर बी, बाजार अनुसंधान करना। जल्दी जल्दी इसलिए बोला, मेरे पास डाटा की कमी है इसलिए, आप बाकी देख लेना।